टीएसआर सर्च इम्पैक्ट में सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के महानायक, पूर्व में हमारी इस पावन धरती ने, इस देवभूमि ने ऐसे ऐसे महानायकों को जन्म दिया कि आज हम उनका स्मरण कर आपको बताते हैं कि कितनी अहम भूमिका निभाई है हमारे हिमाचलवासियों ने। बाबा भलकु एक ऐसा नाम है जिनके किस्से केवल बातों तक ही सीमित नहीं रहे हैं। कहा जाता है कि अगर चैल के बाबा भलकु ने अपनी लाठी से नापकर सर्वेक्षण नहीं किया होता तो कालका से बड़ोक के रास्ते रेल मार्ग शिमला तक शायद पहुंच ही ना पाता। पहाड़ी रेल मार्ग कालका शिमला यूनेस्को की सूची में शुमार होने पर दुनिया भर में चर्चित है, इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पर दुख की बात यह है कि उत्तर रेलवे भी बाबा भलकु की असल कहानी को सही से नहीं जानता। यही हमारा विनम्र प्रयास है कि सबको बताएं कि बाबा भलकु की क्या भूमिका रही है और कैसे बाबा भलकु ने अपनी लाठी से कालका शिमला रेल मार्ग को निकाला था। कालका से शिमला के बीच 18 स्टेशन हैं, लेकिन बाबा भलकु के नाम से कोई स्टेशन नहीं है। आज हम सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन महानायकों को इनका न्याय मिले, दे शुड गेट दे शेयर ऑफ जस्टिस। जिन महान विभूतियों ने पूर्व में इतिहास लिखा है, बहुत ही प्रगतिशील कार्य किए हैं, उस समय बिना टेक्नोलॉजी के, सिर्फ अपनी दूरदर्शिता से, ईश्वर द्वारा उन्हें गॉड गिफ्ट से और उनके भीतर के इस हुनर को सराहा जाए। हालांकि बाबा भलकु के योगदान से वाफिक होने पर रेल मंत्रालय ने शिमला में पुराने बस स्टैंड के पास रेलवे स्टेशन के मुहाने पर जुलाई 2011 में बाबा भलकु रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया था। इसमें संग्रहालय में उत्तर रेलवे की कई विरासती वस्तुएं हैं। इसका नाम बाबा भलकु रेल संग्रहालय रखा गया है, पर इसमें भीतर केवल बाबा का एक चित्र और उसके नीचे 2 मार्च 1862 को तत्कालीन पहाड़ी राज्यों के उपायुक्त WM हे की टिप्पणी है। उपायुक्त के हवाले से केवल इतना स्पष्ट है कि वह एक सरकारी कर्मचारी भलकु के योगदान को भुला नहीं सकते हैं। यहां बड़ोक सुरंग का मॉडल भी है, लेकिन इसे बनाने में बाबा भलकु की भूमिका कितनी रही है इसका कोई उल्लेख नहीं है। कालका शिमला रेल खंड का निर्माण 1898 में शुरू हुआ, जो कि 9 नवंबर 1903 को पूर्ण हो गया था। 2008 में कालका शिमला रेल ट्रैक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में डाला, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लंबे समय के बाद रेल मंत्रालय को बाबा भलकु के योगदान के बारे में पता चला, जिसके बाद वर्ष 2011 में एक स्पेशल ट्रेन चलाकर कालका से शिमला के बीच स्टेशनों से ऐतिहासिक सामान को जुटाया गया था। इस संग्रहालय में हथकरघा संचालित लीवर, लाइन बदलने का लीवर, पीतल की टोपी सहित अग्निशमन यंत्र, कोयले का बक्सा, चिमटा, छड़े, बेलचा, मशाल, हस्त संकेत दीपक, गुमशुदा संपत्ति रजिस्टर सहित और भी कई पुरानी वस्तुएं मिली। मगर संग्रहालय में जाने वालों के सवाल बाबा भलकु के बारे में ही होते हैं, पर इनके जवाब देने वाला यहां कोई नहीं है। बाबा की आध्यात्मिक दृष्टि के भी कई किस्से हैं और कहा जाता है कि कालका शिमला रेलखंड के निर्माण के समय सुरंग संख्या 33 बनाते वक्त अंग्रेजी इंजीनियर सुरंग के छोर मिलाने में असफल हो गए थे, जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर 1 रुपया जुर्माना भी लगाया था।
जिसकी शर्मिंदगी के चलते इंजीनियर बड़ोग ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बारे में भी बहुत हमारे हिमाचल के वासी जानते हैं। इसी बीच बाबा बलखू ने अपनी छड़ी के साथ अंग्रेजी इंजीनियर को राह दिखाई, जिसके चलते सुरंग के दो छोर मिले और कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण पूर्ण हो सका। अंग्रेजी हुकूमत ने अपने इंजीनियर के नाम से बड़ोग स्टेशन का नाम तो रख दिया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी रेल मंत्रालय ने कालका शिमला खंड में सबसे अहम योगदान करने वाले बाबा बलखू के नाम को तवज्जो नहीं दिया। बड़ोग सुरंग इस रेल लाइन की सबसे बड़ी सुरंग है, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर 143 मीटर और 61 सेंटीमीटर है। सुरंग के मामले में कई लोगों का कहना यह है कि बाबा को इसका सपना आया था, उन्होंने स्वप्न में देखा था, उनको दृष्टांत हुआ था और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वह कर दिखाया, मगर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होने से रेलवे इस पर आज भी खामोश है। बाबा बलखू की याद में उनके गांव में मेला लगाया जाता है। बकायदा मार्केट में बाबा बलखू की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका शिलान्यास नवंबर 2003 में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने किया था। इसी प्रतिमा के नीचे दर्शाया गया है कि वह 19वीं सदी के महान संत एवं कुशल इंजीनियर थे, जो पढ़ाई के साथ साथ गुड़ाई में निपुण थे, जिन्होंने दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं को चीरते हुए रेल लाइन का निर्माण कर अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन आज भी बाबा बलखू जी द्वारा किए गए कार्यों तथा उनकी भूमिकाओं का उचित उल्लेख नहीं है। क्या ये बहुत बड़े न्याय की बात नहीं है? हमारे देवभूमि हिमाचल के वो वीर सपूत, वो महानायक, वो ऐसे महान विभूति जो सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं थे, पढ़ाई गुड़ाई में निपुण, साथ ही साथ आध्यात्मिक, उनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, उन्होंने अपने भीतर के उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज विश्व को वो धरोहर दी है जो ना केवल हिमाचल को गौरवान्वित करती है, अपितु पूरे भारत का मान, हमारे देश को मान सम्मान पूरे विश्व धरोहर देती है। तो हम भारतीय सरकार से, केंद्र सरकार से, हमारी राज्य सरकार से और रेल विभाग से प्रार्थना करते हैं कि बाबा बलखू जी को उनके उस कार्य के लिए न्याय मिले और हमारे आज की पीढ़ी को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को, हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को पता लगे कि कौन था वो महानायक जिसने कालका शिमला रेलवे ट्रैक की ये ऐतिहासिक विजय हमें दी और आज भी पर्यटक विश्व भर से आते हैं और कालका शिमला जो रेल मार्ग है उसमें वह कितना लुफ्त उठाते हुए अपनी ट्रेन जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो आइए हम सब मिलके हमारे अनसंग हीरोज को सम्मानित करें, उनको उनका न्याय दिलाएं और उनको आभार व्यक्त करें और आने वाली हमारी पीढ़ियां जानें कि देवभूमि हिमाचल के निर्माण में पूर्व काल से आज तक किन किन महान विभूतियों की भूमिका रही है और हमें ये उपहार माँ प्रकृति द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में तो मिला ही मिला, लेकिन इसको एक सस्टेनेबल तरीके से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, हमें हमारी आध्यात्मिक परंपरा को किस प्रकार से अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना है। एक दुखद बात और भी है, एक बार इस पे जरा आप सोचिएगा। ये प्रश्न हमसे पूर्व भी बहुत से लेखकों ने, बहुत से बुद्धिजीवियों ने, बहुत से फिलोसफर्स ने, पत्रकारों ने, बहुत से अधिकारियों ने यह प्रश्न उठाया, क्या कारण रहे कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद कालका शिमला का जो रेलवे ट्रैक है वह बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सका। उस समय जब टेक्नोलॉजी नाम मात्र नहीं थी, जब उस समय यह ऐतिहासिक रेल मार्ग बना,
उसके बाद क्या हमारी पूर्व की सरकारें और वर्तमान सरकार तक इतनी विफल रही हैं कि उसके आगे उस ट्रैक को ले जा ही नहीं सके। थैंक यू, दिस इज गिरीश सूरी साइनिंग ऑफ टीएसआर सर्च इंपैक्ट।